आज के इस वीडियो में अलीगढ़ वाली माँ वैष्णो देवी जी का बड़े बड़े चमत्कार दिखलाने जा रहे हैं। हजारों की संख्या में बैठे भक्तों के सामने सत्संग हो रहा था, वहाँ पर आने लगे अचानक से परेशान मरीजों को सत्संग छोड़ते हुए माता ने किया सही। और भी यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जो कि आपको ये सुनने के बाद अचंभित रह जाएंगे। और इस वीडियो में ऐसे ऐसे घोर कलियुग में आने वाले पाप के नाशों के बारे में बताया है जो आपको इस वीडियो में जान लेना बहुत ज़रूरी है। आपको यह वीडियो पूरा देखना है, प्लीज़ पूरा देखिए वीडियो। देखो माता जी ने इनके हाथ में दर्द था बहुत भारी, मैया जी ने देखा है तो तुरंत ही सही हो गया। बोलो अलीगढ़ वाली मैया की जय। और कुछ लोगों ने मन में और मेरे भी करते वो चीज नहीं करनी है वो भी ठीक है। रुक जाओ सुन लो, बनाना बंद कर दो, ध्यान से सुन लो, बैठ जाओ, जो भी आया वहीं के वहीं बैठ जाओ। तो मैं क्या बोल रही थी बताना मुझे ज़रा, अगर तुम यही हो तो कहाँ पर छोड़ा मैंने अभी कुछ छोड़ा मैंने क्या छोड़ा? माँ बाप तो ठीक है लेकिन कहाँ छोड़ा सुनते ना पूछो। हाँ बाबा, हाँ हाँ ये कह रही थी मैं। तो शायद ऐसा कोई माँ बाप ही ना है जो किया ना हो किसी ने, मेरे हिसाब से क्योंकि शायद पैदा होते ही छोड़ दिया जाए ना तो तुम पता नहीं तुम्हारा क्या हो जाए तुम्हें, क्योंकि बचपन में ये नहीं पता होती कांतर को सांप बोलते सांप को कांतर बोलते हरे को पकड़ के खा लेते होता ना, ना तुम्हें गलत की पता होती ना सही की पता होती। क्या नाम है इनका बीच वाले का? यहाँ ध्यान रखो तुम भगत, मैं यहाँ सभी बच्चों के लिए बोल रही हूँ, बच्चे भी हैं यहाँ माँ बाप भी हैं, बच्चों पर बोला जाएगा तो माँ बाप की भी गलती बताई जाएगी सबकी बताई जाएगी, क्योंकि मेरे हिसाब से जिसको सब तो मैं ये कहूँगा तो तुझे भगवान और श्रद्धा भाव ये किस प्रकार की है, जहाँ लालच मोह यहाँ ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ श्रद्धा का नाम नहीं होता, वहाँ भाव का नाम नहीं होता, वहाँ सिर्फ और सिर्फ लालच का नाम होता है। अगर इस चीज़ को अपने मन में भर के तुम रख करके भगवान को ढूंढोगे तो भगवान शायद तुम्हारे सामने होते हुए भी आँख पर पट्टी बांध दे, मैं ना दिखूँ और ना ये मुझे दिखे, क्योंकि भगवान हमेशा तुमसे क्या मांगता है सिर्फ इतना कि अपने कर्मों को सही रखो और खुद को पहचान। जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया उस दिन तुम मुझे पहचान ही जाओगे, क्योंकि मेरी पहचान तुम्हें है, ये सत्य है। क्योंकि एक कहा गया है कि हमारी जो कीर्ति है हमारी जो अवस्था है जो अवस्था बनाई गई है या फिर जो ठीक है, और ये भी देखा होगा कि गर्मी भी बहुत हो रही है तो क्या सूरज भगवान का गुस्सा हो चुकेगा? ये सब तो मैंने ऐसे बताया हो, कुछ लोगों ने सुना हो तो मैंने बताया था कि एक समय आएगा जिस वक्त सूरज पास में आएगा और आता ही जाएगा और धरती से एक दिन टकरा जाएगा, वही प्रलय का कारण बनेगा। कहते हैं कि जो जिस सूरज ने हमें जान दी वही जान लेने को उतारना होगा अब, क्योंकि अभी तुमने सुना होगा बड़े बड़े साइंटिस्ट भी फेल हो चुके हैं कि ये दिन नीचे आ कैसे रहा, और तुमने देखा होगा कहीं कहीं पानी उबल रहा है कहीं कहीं गांव के गांव जल रहे हैं, ये किस प्रकार हो रहा है? कोई तो होगा ना, जिस प्रकार अब तक सब सही चल रहा था उस प्रकार अब एकदम से बिगड़ जाता है तो इसका कोई तो लालन पालन करने वाला होगा, ऐसा तो है नहीं? बिना बोर्ड के कोई बिजली नहीं और बिना बिजली के कोई लाइट नहीं, तो बिना भगवान के ये सब चल कैसे रहा? हर एक का बनाने वाला होता है, बिना उसके हम कहाँ से आ गए ये और बता दो। हमारा कोई भी उसके बिना कोई अस्तित्व हमारा है ही, तो हमें ये समझना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हुए, कहते हैं कि कर्म ठीक है भगवान पर भरोसा कर लो और भगवान पर भरोसा करके उन पर सब छोड़ दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हाथ पैर नहीं चलाने हैं, भगवान खुद आकर के कर देगा, नहीं,
तुम्हें कर्म करने हैं पर फल की इच्छा त्याग कर, क्योंकि ना त्यागोगे तो भी वो जो देगा वही पाओगे। तो त्यागो ना त्यागो ये व्यर्थता काम है तुम्हारा, अगर तुम नहीं त्यागोगे और उसके बारे में चिंतन करोगे तो। क्योंकि तुम्हें भी पता है कल का हमें पता नहीं है, मिनटों का हमें पता नहीं है, तो हम भविष्य की योजना किस प्रकार बना सकते हैं? योजना बना भी लेना तो भी पहले से ही हमारी योजना वो बना सकता है। और ये भी सुना होगा कि कहते हैं कि भगवान को बिगाड़ेगा और तुम्हें लगेगा कि भगवान इतना क्रूरता मेरे साथ क्यों कर रहा है, जैसे अर्जुन को लगा कि कैसे भगवान कि तुम मेरे ही परिवार को कैसे मरवा सकते हो। तो खुद ही एक ऐसे भगवान हो जो सबको एक ही बार में समझा सकते हो, लेकिन तुम ही ऐसा क्यों चाहते हो? तो बोलते हैं कि बेटा अगर बीज एक बार बो गए तो फसल तो देनी पड़ती चाहे कुछ भी कर। ये सत्य है कि मैं चाहता तो सबको ही समझा देता और तेरे खातिर मैं भिक्षा मांगने गया, मैंने बोला था 5,000 रुपये। अब बताओ मैंने तो अपना कर्म कर लिया पर उसको फल ही कुछ और मिलना था, तो फिर कैसे प्रकार मुझे कैसे दे देता? ये भी है ना, इस पर एक है छोटा सा तो मैं सुनाना चाहूँगी। वर्षों तक वन में घूम घूम राधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल, सौभाग्यना सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। आवाज नहीं आ रही तुम्हें मेरी? सबको आ रही है, देखो वहां तक हाँ कर रहे हैं वो, तुम्हें ही नहीं आ रही, तुम्हें को बिल्कुल नहीं वहां। मैं तो विश्राम कर रहा था पेड़ के नीचे और मेरे पैर में कांटा आ लगा। तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं है, किशन जी के बारे में कभी सोचो तो अपनी पीड़ा भूल जाओगे। शायद इतनी पीड़ा इतना दर्द इतना सब कुछ पहले वो सहन करके बैठे हैं तब हमें दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमसे अलग हैं। अगर किसी के जीवन में शुरू से सोचो, अरे ध्यान रखो यार, अगर किसी के जीवन में कोई शिशु प्रकट हो और उसे पता चले कि उसके 6 भाई पहले ही मार दिए गए हैं, एक इंसानी रूप में लेकर के चलो, भगवान है वो बातें गलत हटाओ, भगवान ने भी तो सहा ना करके, चाहे भगवान ही सही लेकिन सहा उसी बिल्कुल रियल तरीके से जैसे तुम लोग सह रहे।